दोस्तों वीडियो शुरू करने से पहले मैं आपको बता दूं कि ये फिल्म सीधे सीधे 18 साल से ऊपर के दर्शकों के लिए है, बच्चों के लिए बिल्कुल भी नहीं है। यानी कि आपकी उम्र अगर 18 साल से कम है तो बिल्कुल भी इस फिल्म को मत देखो, देखना तो दूर, पोस्टर ही मत देखो। और अगर आप 18 साल से ऊपर के हो तो अगर आप थोड़ा खुले विचारों के हो तो ही ये फिल्म देखो। और आपको लगता है कि फिल्म एक इंसानी दिमाग की उपज है, एक कल्पना है, एक इमेजिनेशन है, और फिल्म का मतलब सिर्फ मनोरंजन और टाइम पास होता है, और फिल्म का दूर दूर तक सच्चाई रियलिटी से कोई वास्ता नहीं है, तो ही आप इस फिल्म को देखो। अगर आपको जरा सा भी ऐसा लगता है कि जो फिल्मों में दिखाया जाता है वो आप कॉपी करते हो या वो चीज़ आप अपनी रियल लाइफ में आजमाना चाहते हो, तो भाई साहब इस फिल्म को मत देखो। फिल्म और असली दुनिया, इन दोनों में बहुत ज़्यादा फर्क होता है, और जो अगर आप फर्क करना जानते हैं तो आप समझदार हैं, तो आप फिल्म देखो। और नहीं कर पाते हैं जरा सा भी फर्क, फिल्म देख के आप सेंसिटिव हो जाते हो और उसको रियल लाइफ से कंपेयर या इमेजिनेशन बनाने लग जाते हो और भावुक हो जाते हो, इमोशनल हो जाते हो, और फिर दिमाग खराब करते हो और सोचते हो कि मतलब हीरो जो कर रहा है वैसी ड्रेस, वैसी हेयर स्टाइल, वो सब अगर कॉपी करते हो तो इस फिल्म से दूर रहो। ये फिल्म बहुत ज़्यादा डिस्टर्बिंग है, मुझे तो बहुत ज़्यादा लगी, इसलिए आपको पहले से ही बता दे रहा हूँ। हेलो दोस्तों, मैं हूं अखिलेश और आप देख रहे हैं अकीलॉजी। तो दोस्तों मैंने फिल्म देखी मिडसमर। मिडसमर मींस गर्मियों के बीच में। तो ये इस टाइप की फिल्म है कि 15-25 साल तक पढ़ाई लिखाई, 25 से 50 तक गृहस्थ आश्रम, घर गृहस्थी ये सब, और उसके बाद सारी जिम्मेदारी छोड़ के संसारिक सुख छोड़ के जंगल जाके, ये अपनी हमारी जो फिलॉसफी है इसको ही जस्ट उल्टा करके इस फिल्म में दिखाया गया है। बूढ़े होने के बाद बदले और डर और दर्द के साथ मरने के बजाय हम खुद हमारी जान देते हैं एक भाव के रूप में। शरीर कमजोर हो जाने के बाद मौत का इंतजार करते हुए मरना एक अच्छी मौत नहीं होती है, वो आत्मा को भ्रष्ट कर देती है। और इस तरीके से दिखाया गया कि धीरे धीरे आपको डर लगने लगेगा। मीन्स चार पांच दोस्त होते हैं अमेरिका के, तो वो लोग किसी जनजाति या किसी पे मतलब कॉलेज का एक प्रोजेक्ट बनाना चाहते हैं, और ये लड़की है, इसकी बहन माता पिता का एक्सीडेंट हो चुका है या वो उस दुनिया में नहीं है, तो वो थोड़ा दिमाग से डिस्टर्ब है और उसे अपनापन फील नहीं हो पा रहा, वो अकेली हो गई है, और बॉयफ्रेंड से भी उसका रिश्ता ऐसा है कि टॉक्सिक रिश्ता है। तो प्लान बनता है कि चलो स्वीडन चलते हैं, वहाँ पर एक ऐसी जगह है जहाँ पे बहुत ज़्यादा शांति है और मज़ा आएगा, मतलब फुल मज़ा आएगा। और उसमें से ये वाला जो दोस्त होता है वो उन्हें ले जाता है वहाँ पे, तो वहाँ पे इनका इतना सम्मान उम्मान होता है कि इनको लगता है वाह मज़ा आ गया, और फिर बाद में ये सारे के सारे ट्रैप हो जाते हैं। का जो रीति रिवाज है उसमें क्या है कि जो 75 साल या 70 साल से ऊपर के जो लोग हैं, जो बॉडी कमजोर हो चुकी है, बीमार हैं या जो भी है, और मौत का इंतजार कर रहे हैं बिस्तर पे लेटे लेटे और घर वालों को दुखी और कर रहे हैं दवाई दारू में, तो इनका सोचना है कि वो खुद ही जाके मर जाए वो ज्यादा अच्छा है। Wow.
उन लोगों की जो हरकतें हैं वो हंसी के साथ साथ डर भी पैदा करती है। तो अजीब तरीके रीति रिवाज अब भी चलते रहते हैं उसमें, और वो रीति रिवाज का लास्ट का जो कंक्लूजन निकलता है ये कि एक एक करके सभी लोग मर जाते हैं। और ये लड़की बचती है और ये लड़की लास्ट में ढल जाती है उनकी रीति रिवाज या परंपराओं के बीच में। क्यों? क्योंकि उसको चाहिए थी अपनापन, वो इस समुदाय से मिल जाता है उसे, और बाकी जो जैसा लोग होते हैं उनको वैसे ही ये वैसा होता है, तो उसको वैसी मौत मिलती है, उसको वैसी मौत मिलती है, और इस तरीके से सब मर जाते हैं। तो धीरे धीरे हो जाती है। तो फिल्म डिस्टर्बिंग है प्लस प्रोपेगेंडा वाली है, मीन्स आपके दिमाग में कुछ ना कुछ लॉजिक ये वो संस्कृति सभ्यता वो ठूंस रहे हैं आपके दिमाग में, जिससे आपका माइंड करप्ट हो जाए और आप उनके फेवर वाली बातें करने लग जाओ और हम जो नेचुरल है। तो एज ए इंडियन ये फिल्म बहुत ज़्यादा डिस्टर्बिंग है, घिन आएगी आपको देखते समय, और फिल्म ख़त्म होने के बाद फिल्म आपके दिमाग में घूमती रहेगी। प्रेजेंटेशन फिल्म का अच्छा है, अगर सिर्फ मनोरंजन के पर्पज से आप फिल्म देख रहे हो और आपको मालूम है ये सब फिल्म है, नकली है, सब कुछ नकली है, और मजे के पर्पज से देख रहे हो, तो ये फिल्म ठीक ठाक है। स्लो चलती है लेकिन एक सस्पेंस के साथ चलती है, तो इंटरेस्ट बना रहता है दी एंड तक। यानी 3 घंटे की फिल्म है और 3 घंटे की फिल्म आप बहुत ही ज़्यादा क्यूरियसिटी यानी कोतूहल यानी कि अब नेक्स्ट क्या होगा इस चक्कर में पूरी फिल्म देख जाते हो। इस फिल्म का बैकग्राउंड म्यूजिक बहुत ज़्यादा तगड़ा है, जिससे कि फिल्म का जो भी सीन है उसका बहुत गहरा असर पड़ता है सीन पे, और वो थोड़ा रियलिस्टिक टाइप का लगता है। ये फिल्म इस टाइप की है कि चाकू दिखाया और फिर अगला सीन आ गया। अब चाकू दिखाने के बाद क्या होता है वो आप खुद ही इमेजिन कर जाते हो। तो उन लोगों ने बहुत सी चीज़ें जो खतरनाक लेवल की थी वो ऑफ कैमरा रखी है, मतलब हम पब्लिक हैं और हमें समझने के लिए छोड़ दी हैं कि आप ही समझ जाओ कि इसके बाद क्या हुआ होगा। उनने बस थोड़ा दिखाया और बाकी का चीज आपके ऊपर छोड़ दिया कि आप समझ जाओगे क्या हुआ होगा, और फिर वो नेक्स्ट सीन आ जाता है। तो ये जो एडिटिंग है वो भी अच्छे लेवल की है, बाकी एक्टिंग वाइज सब सही है, सब सही है। और अकेले में देखना, फैमिली के साथ नहीं देख सकते, और कमजोर दिल के हो, छोटी सोच के हो, संकुचित विचारधारा है आपकी, तो इस फिल्म को मत देखो, पहले ही बता दे रहा हूँ। और फिल्म को सिर्फ फिल्म की तरह से देखते हो, मजे के पर्पज से देखते हो, फिल्म देखकर भूल जाते हो, तो ये फिल्म आपके लिए ही है। तो दोस्तों बस इतना ही कहना था इस फिल्म के लिए। जय हिंद।